जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों को थाईलैंड टू कंबोडिया बाय रोड लेके जा रहा हूँ। बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, वीज़ा कैसे लेते हैं और थाईलैंड से एग्ज़िट कैसे करते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो हम लोग रात को थाईलैंड से शाम को दोपहर में चले थाईलैंड के चाटुचक बस टर्मिनल से अरण्य प्रथेप। थाईलैंड का जो बॉर्डर का एरिया है, जो थाईलैंड की साइड पड़ता है, उसको उसका नाम है अरण्य प्रथेप। तो अरण्य प्रथेप तक के लिए हमने बस ली और हमको करीब तो $32 की पड़ी थी। उससे हम आके अरण्य प्रथेप में हमने होटल लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आइए हम अब अरण्य प्रथेप से एरिया से बॉर्डर की तरफ चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ हम लोग जो प्राइवेट व्हीकल जो है वो नहीं चल सकते। इस रेड लाइट के आगे जो जाएंगे वो सिर्फ जिनको परमिशन होगी वही गाड़ियाँ आगे जाती हैं। तो हम लोग पैदल पैदल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ आइए और देखिए थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर कैसा है। सारी जो कमर्शियल ट्रक्स हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, उनकी लाइन लगी हुई है और वो लोग अपना एंट्री पास चेक कराएंगे, गेट वो इमिग्रेशन करवाएंगे और चले जाएंगे। तो ये पतली सी गली है जिसके थ्रू आपको बॉर्डर क्रॉस करना होता है और यहीं से आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे जहाँ पे आपको एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी। तो आइए हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या थाईलैंड वाले क्या कहते हैं और कैसे हमें जाने देते हैं। ये जो आप मेरे दाहिनी तरफ बिल्डिंग देख रहे हैं, जो स्टैचू लगा हुआ है, यही थाईलैंड का अरण्य प्रथेप का इमिग्रेशन पॉइंट है। और यहाँ से आप जो है आगे वीडियो फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली मना है और हमने कैमरा बंद कर दिया। अभी बाहर आ गए हैं इमिग्रेशन क्लियर करा के, तो अब हम जो है कंबोडिया की तरफ जा रहे हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये अभी हम थाईलैंड में ही हैं। एक अभी नदी का एक छोटा सा पुल आएगा, उस पुल को पार करते ही आप कंबोडिया एंटर कर जाएंगे। यहाँ तक अब थाईलैंड था और अब ये है जो नदी का पुल है, ये नो मैन्स लैंड वो है। सो जीरो यहाँ पे कंबोडिया की का भी शासन है और थाईलैंड का भी शासन है। तो यहाँ से हम लोग अब जो है नो मैन्स लैंड को क्रॉस करके सीधे कंबोडिया के पॉपिट में आ जाएंगे, जो है कि कंबोडिया का इमिग्रेशन काउंटर है जहाँ पे आपको कंबोडिया का वीज़ा मिलेगा और आप कंबोडिया के सिमरिप जो या कंबोडिया के जिस भी शहर जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये यहाँ से आप देखेंगे हमारे राइट साइड जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाकर हमें वीज़ा प्रोसेस जो भी है इनका कंप्लीट करके स्टेप्स सामने दिख रहे हैं। वहाँ से वहाँ भी सेम कंडीशन है कि आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो आप आइए हमारे साथ और हम इमिग्रेशन कराते हैं, फिर आपको आफ्टर इमिग्रेशन मिलते हैं। ये देखिए इसमें लिखा भी है अराइवल काउंटर। अब हम बॉर्डर पार करके, तो फ्रेंड कंबोडिया में आप सभी का स्वागत है। मिल गया और हम सिमरिप में हैं। कंबोडिया का वीजा मिल गया, इमिग्रेशन पॉइंट चेक क्लियर कर लिया, तरफ जाने के लिए अब हम लोग कंबोडिया एंटर कर रहे हैं। ये हमारा ये मेरा दोस्त वीजा लेकर असलम जा रहा है, निकल रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंबोडिया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हम कंबोडिया बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग कंबोडिया आ गए। हमारा दोस्त देखो
सामने खड़ा है। तो हम लोग अभी इमिग्रेशन क्लियर करके धीरे धीरे कंबोडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। कंबोडिया बॉर्डर हम लोगों ने अपना क्लियर कर लिया, इमिग्रेशन, वीज़ा, सब सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ा बहुत करप्शन तो है ही, हर देश में होता है। यहाँ उन्होंने हमसे स्टैंप लगाने के 100 पास ले लिए, और वीज़ा में भी कुछ उन्होंने किया है, वो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या किया इन्होंने मेरे साथ। बट हाँ, जो लोग बोलते हैं इतना टफ है, ये है वो है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल वीज़ा प्रोसेस है और वीज़ा दे देते हैं। करने के बाद आप देख सकते हैं इतने इन्होंने अच्छे अच्छे होटल्स बना रखे हैं, और इमिग्रेशन कंट्रोल सब कुछ करके हम लोग कंबोडिया जा रहे हैं। अभी यहाँ से कंबोडिया से वहाँ पे इसका दिखा देंगे।